देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी में डिस्कस कर रहे थे, कन्वेंस ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ रहे थे और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ रहे थे, दोनों को डिफाइन किए थे। आज हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें नहीं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फ्यूल आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कोल आया था, जैसे पेट्रोलियम आया था, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी हेडिंग लाइन देंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फॉसिल फ्यूल के बारे में जानेंगे। फॉसिल फ्यूल के बारे में जानेंगे। फॉसिल फ्यूल कहते किसको है ये हम लोग जानेंगे, किसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल। विच एरिड इंटू द बरी डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल इज द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल। यानी फॉसिल फ्यूल क्या है? वैसा फ्यूल है जो रिमेन्स है, किसका है? बचा हुआ है। किसका? प्री हिस्टोरिक जो प्लांट है, यानी हमारे पहले जो लाखों साल प्लांट था, लाखों साल पहले जो एनिमल था, उसके जो रिमेन्स जमीन के अंदर चले गए थे, उसके जो वो जो जमीन के अंदर चले गए थे उसका जो रिमा, उसी को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। और ये लाखों साल पहले, अभी नहीं, 100 साल या 1000 साल पहले नहीं, लाखों साल पहले। और ये किसमें? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी नेचुरल प्रोसेस से लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन चले गए थे और इसके जो रिमेन्स बचा है उसी को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, फॉसिल फ्यूल इज द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल विच क्या है, बरीड इनसाइड द अर्थ, जो कहां चला था? अर्थ के नीचे चला गया था, बहुत नीचे चला गया था, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो यानी लाखों साल पहले। और नेचुरल प्रोसेस की वजह से जिसमें बन इसका जो रिमेन्स बचा उसी को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। हम लोग फॉसिल फ्यूल के अंदर पढ़ेंगे पहला, किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट जो कन्वेंशनल सोर्स है जिसका नाम रख जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल किसको कहते हैं? कहते हैं
पेट्रोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. कोल क्या है? एक ऐसा भी एक फॉसिल फ्यूल है. कोल किसको कहते हैं? जब हजारों लाखों साल पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो अर्थ के जाते हैं, तो इसका जो रिमेंस बचता है उसी को क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है. ठीक है, मिलियन ऑफ इयर्स एगो यानी लाखों साल पहले द अर्थ द प्लांट एंड एनिमल fall into the earth due to natural disaster. Disaster due to in the absence of air and presence of heat and pressure it turn into a fuel. This fuel is called fossil fuel. This fuel is called coal. देखिए बाबू, अगर आपसे कोई पूछे आप कहते हैं तो millions of years ago यानी लाखों साल पहले the plant and animal fall into the earth crust जाता है, अर्थ के क्रस्ट में गिर जाता है ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर. किसकी वजह से? नेचुरल डिजास्टर यानी भूकंप आने की वजह से, आने की वजह से जितने भी जानवर है या ट्री है वो जब अर्थ के क्रस्ट में चला जाता है तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर यानी अर्थ के अंदर की गैर मौजूदगी में यानी मौजूद नहीं होने की वजह से एब्सेंस अर्थ के प्रेशर और उसके हीट की वजह से. अर्थ के अंदर क्या है बाबू? हीट है, बहुत ज्यादा हीट है और उसके हीट और प्रेशर की वजह से और एयर के एब्सेंस की वजह से ये जो एनिमल जमीन के अंदर चला गया था ये फ्यूल में तब्दील हो जाता है और इसी फ्यूल को क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है. इसी फ्यूल को क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है. इसके बाद समझ में आया? यस सर. तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए फॉसिल फ्यूल के बारे में? कन्वेंशनल सोर्स में पहला चीज हम लोग जाने फॉसिल फ्यूल के बारे में कि फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं या क्या है, रिमेन्स है किसका? प्लांट और एनिमल्स का जो लाखों साल पहले जमीन के अंदर चला गया था. और दूसरा नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये जो रिमेन्स बचा है उसी को जाता है फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. हमको फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले पढ़ना था कोल के बारे में. अगर आपसे कोई पूछेगा कोल किसको कहते हैं तो हम ये हजारों लाखों साल पहले जब क्या हुआ था, नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से जब एनिमल्स और जमीन अर्थ के अंदर चला गया और अर्थ के प्रेशर और हीट की वजह से ये जिसमें यानी जो फ्यूल में तब्दील हो गया उसी को क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है. ये हम लोग जाने. उसके बाद आज हम लोग जानेंगे बाबू कोल के टाइप्स के बारे में कि कोल कितने टाइप्स का होता है. अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कोल. पहला होता है एंथ्रासाइट,
दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। ठीक है, ये चार तरह का ये क्या है, कोल है, एंथ्रासाइनस और लिग्नाइट और पीट। हम लोग जानेंगे कि एंथ्रासाइट किसको कहते हैं, एंथ्रासाइट किस तरह का कोल है, बिटुमिनस किस तरह का कोल, लिग्नाइट किस तरह का कोल है और पीट किस तरह का कोल है। हम आपको बता दें कि एंथ्रासाइट एक ऐसा कोल है जिसमें नंबर यानी अमाउंट कार्बन सबसे ज्यादा होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होता है, और मगर इसका इस्तेमाल हम फ्यूल में नहीं करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल एंथ्रासाइट का इस्तेमाल फ्यूल में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें कार्बन की मात्रा इतना ज्यादा होता है कि ये जलने पर आवाज करने लगता है। ये जलने पर क्या करने लगता है, आवाज करने लगता है। जब हम इसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करेंगे, अपने घर में करेंगे, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो इससे हो सकता है घर में किसी भी क्षति भी हो सकता है, इसीलिए एंथ्रासाइट का इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा जो है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट के बाद अगर कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है तो बिटुमिनस के अंदर होता है। एंथ्रासाइट कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है तो किसमें होता है, बिटुमिनस में सबसे ज्यादा होता है। तो बिटुमिनस एक ऐसा कोयला है जिसका इस्तेमाल हम लोग में करते हैं, यानी हमारे घरों के अंदर, हमारे कारखाने के अंदर या कहीं भी इस्तेमाल होता है। तो जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिनस का इस्तेमाल कारखाने जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं बिटुमिनस, क्योंकि ये बिटुमिनस जो है वो ज्यादा सूटेबल है एंथ्रासाइट के बनिस्पत, क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मगर इसका इस्तेमाल हम अपने घर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जलने पर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, विस्फोट जैसा होता है। दूसरा बिटुमिनस जो है वैसा भी क्या है, कोल है जिसमें एंथ्रासाइट के बाद अगर सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है तो वो बिटुमिनस के अंदर, और ये जो है जलने पर बहुत आसानी से जलता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है बाबू, लिग्नाइट और पीट, इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन सबसे कम होता है। लिग्नाइट और पीट में अब कार्बन सबसे कम होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है हम लोग किसमें करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल, लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में लिग्नाइट और पीट पाया जाता है, और उसके बाद बिटुमिनस और सबसे कम पाया जाता है एंथ्रासाइट। डिस्कस क्या किए कि कोल किसको कहते हैं और कोल कितने तरह का होता है, तो हमको पता चला कि कोल चार तरह का होता है, एंथ्रासाइट, पीनस, और उसके बाद क्या होता है, लिग्नाइट, और उसके बाद पीच होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग बिटुमिनस का ही इस्तेमाल क्यों किस में अपने घरों में एंथ्रासाइट का क्यों नहीं करते, जबकि एंथ्रासाइट में नंबर ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो हम यही बोलेंगे एंथ्रासाइट का अपने घर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जलने पर क्या होता है, विस्फोट जैसी आवाज क्रिएट करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर बिटुमिनस जो है इसमें कम होता है, मगर ये आसानी से जलता है और इसमें किसी तरह का हार्मफुल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, विस्फोट क्रिएट नहीं करता, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोक किसको कहते हैं, कोक किसको कहते हैं, कोक किसको कहते हैं, कोक किसको कहते हैं, कोक बाबू, कोक जो है जब हम कार्बन को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो कोक बनता है। क्या बनता है, कोक बनता है व्हेन वी हीट या बर्न, लिख दीजिए
स्कूल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एयर देन कोक फॉर्म्ड कोक इज फॉर्म्ड कोक बनता है ठीक है जैसे कोल है इसको क्या किया जाता है गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या निकलता है कोक निकलता है प्लस कोल्टार ये दो चीज निकलता है जब हम कोक को इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन द एब्सेंस सेंस ऑफ एयर हवा के गैर मौजूदगी में अगर हम कोल तो कोक और कोल्टार बनता है कोल्टार देखते हो यस सर मान होता उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड तो वो कोल्टार बनता कैसे है जब हम कोल को गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ किस में हवा में तो कोक बनता है और कोल्टार बनता है और अब हम आपको बता दें कोयला की बनिस्पत कोक जो है ज्यादा हीट रिलीज करता है ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कोल के बनिस्पत कोक जो है ज्यादा रिलीज करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कोल के बनिस्पत तो आज हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में कोल के बारे में और उसके बाद उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कोक के बारे में कि कोक क्या है तो जब हम कोयला को यानी कोल को क्या करते हैं हीट करते हैं या बर्न है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हवा के गैर मौजूदगी में यानी हवा के एब्सेंस में अनुपस्थिति में तो क्या बनता है कोक बनता है और कोक के साथ साथ इसके अंदर से एक लिक्विड भी निकलता है जिस चिपचिपा जैसा होता है उसको कहा जाता है कोल्टार जिसका इस्तेमाल हम लोग सड़क बनाने में जनरली लमेंट करती है तो ये कोक यानी बनाने समय में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग क्या ये डिस्कस किए कोक के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में दूसरा जो कन्वेंशनल सोर्स है पेट्रोलियम के बारे में पेट्रोलियम कैसे भाई क्या होता है कैसे बनता है एक चीज आपको बता दें कि आज से लाखों साल पहले जो अर्थ अभी हुआ नजर आ रहा है वो पहले समुद्र बना हुआ था जो अर्थ आज सूखा हुआ जो अर्थ का जो पोर्शन आज सूखा हुआ नजर आता है वो पोर्शन कभी न था जलमग्न था यानी उसमें वो समुद्र ही समुद्र था और समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट थे और एनिमल थे और ये जब एनिमल जो है समुद्र के अंदर यानी क्या हो गया मर गया तो इसके अंदर से क्या निकलता है एक थोड़ा क्या होता है एक लिक्विड निकलता है अब जो है आगे चल करके किसमें बदल जाते तब्दील हो जाता है लाखों साल लगता है इसको पेट्रोलियम बनने में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में आज इतना ही रहने देते हैं इस पे और डिस्कस करेंगे ओके बाय।